सो ये गाइस, आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर कार्डलेस ईएमआई लॉन्च किया है। मतलब अब डेबिट कार्ड ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ईएमआई की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट के बेसिस से आप फ्लिपकार्ट में ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। Let's get straight to the video. तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से कार्डलेस ईएमआई को ले सकते हैं। तो जस्ट आप फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेंगे तो देखिए नीचे में जो क्रेडिट का सेक्शन होता है, इस क्रेडिट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जस्ट थोड़े से नीचे आएंगे तो देखिए एक बैनर मिल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग आईसीआईसीआई बैंक कार्डलेस ईएमआई नाउ शॉप हैसल फ्री। तो जस्ट आप इस बैनर में क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ यहाँ पे समझाया गया है कि इंस्टेंट चेकआउट है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टेप बताया गया, एकदम सिंपल सा स्टेप है। मैं आपको लाइव अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको बिना किसी डेबिट कार्ड ईएमआई, बिना किसी क्रेडिट कार्ड ईएमआई के आपको ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे होम पेज पे आता हूँ, एक प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए चलिए ये फोन ले लेते हैं, Realme 7 Pro ले लेते हैं। इसे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। चलिए पेमेंट पेज नेक्स्ट आएगा, तो पेमेंट पेज जब नेक्स्ट आता है तो आपको नीचे में आना है। देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है EMI Easy Installment, उसी में देखिए ग्रीन कलर का लिखा आएगा गेट डेबिट और कार्डलेस EMI ऑन ICICI बैंक, क्लियरली लिखा है EMI ऑन ICICI बैंक। तो जस्ट आपको इस वाले सेक्शन में क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसा आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं देखिए ऊपर में ही लिखा आ जाएगा ICICI बैंक कार्डलेस EMI। तो जस्ट आप इस ICICI बैंक कार्डलेस EMI में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा ऑप्शंस आ जाएगा कि कैसे आप EMI में इसे परचेस कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा मैंने किसी भी तरीके का कोई भी डेबिट कार्ड का नंबर नहीं डाला, किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं डाला, लेकिन फिर भी मुझे EMI में प्रोडक्ट परचेस करने का ऑप्शन मिल चुका है। तो एकदम क्लियर सी बात हो जाती है, कार्डलेस का नाम ही है कार्डलेस, मतलब कोई भी कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ICICI बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट के बेसिस पे आप फ्लिपकार्ट में कार्डलेस EMI यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो क्या है कि इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये नो कॉस्ट EMI तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो जैसे कि मान के चलो अगर 3 महीने के लिए आप लेंगे तो देखिए 16% का आपको इंटरेस्ट देना है, 6 महीने के लिए लेंगे तो उसमें भी 16% है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके बताते रहेगा, जैसे कि 3 महीने के लिए लीजिएगा तो टोटल जो एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 483 रुपीज का है। वही अगर आप 6 महीने के लिए लीजिएगा यानी कि 6 महीने के लिए लीजिएगा तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 850 हो गया, तो जितना ज्यादा कोशिश करो कि कम का ही बनाओगे टेनर तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा क्योंकि कम इंटरेस्ट देना है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट टेनर होता है वो 6 मंथ का होता है। तो जस्ट मैंने 6 मंथ पे क्लिक किया तो एक्स्ट्रा मुझे 850 रुपया का इंटरेस्ट देना है, जो कि फोन का प्राइस मेरा देखो 17,999 है, लेकिन डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक में 850 रुपया है। तो 1799 फोन का प्राइस हो गया और 850 एज अ मुझे यहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसा आप यहां पे अपना टेनर सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। मैं आपको क्वेंसिज कुबेर ऐप के बारे में बता दूं, आप क्वेंसिज कुबेर ऐप से मिनिमम 100 रुपीज से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, मात्र 5 मिनट के अंदर आप केवाईसी करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 75 से भी ऊपर करेंसीज लिस्टेड है, आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी परचेस कर लीजिए। इनके ऐप में डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है, लिमिट ऑर्डर के साथ भी आप जो है ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी इनका 6 मिलियन से भी प्लस यूजर बेस हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 50 रुपीज का फ्री में बिटकॉइन भी दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप इनके ऐप को एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी से इंटरफेस में आपको यहां पे क्रिप्टोकरेंसी बाय एंड सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और ज्यादा नॉलेज के लिए आप इनके यूट्यूब चैनल को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जहां ये लोग क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो क्वेंसिज कुबेर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे यहां पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालने को बोला जाएगा, तो एकदम क्लियर सी बात हो जाती है, पैन कार्ड का नंबर है तो पैन कार्ड के बेसिस पे ही यहां पे आपको मिलेगा। तो जस्ट यहां पे पैन कार्ड में आपको
पूरा नंबर नहीं डालना है, जो पैन कार्ड में डिजिट होता है 1, 2, 3, 4 जैसे कि अल्फाबेट्स को नहीं डाल करके यहाँ पे नंबर्स को डालना है। जो नंबर्स होगा आपके पैन कार्ड में देखना सिर्फ 4 डिजिट का नंबर रहता है, उसी नंबर को यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे आप नंबर्स को डालेंगे उसके बाद यहाँ पे एक समरअप आएगा कि आप जो EMI ले रहे हैं उसका पूरा टोटल क्या है, आप कैसे पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है यू विल पे 3142 पर मंथ फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने का बेसिस पे उसे इंटरेस्ट जोड़ के डिवाइड कर दिया गया है। तो हर महीने का जो आपका जो टेनोर बनेगा, हर महीने का जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो 3142 रुपया होगा और द EMI अमाउंट विल बी ड्यू ऑन 3rd ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी क्लियर बोला जा रहा है कि जिस मंथ में आपने इसे परचेस करेंगे उसके अगले महीने के 3 तारीख को आपका ड्यू डेट बनेगा। वैसे ये लोग एकदम स्टेटमेंट आपको मेल में भेज देते हैं, तो आप अपने मेल को देखिएगा तो वहां क्लियरली मेंशन होता है कि इतने तारीख को आपको बिल पे करना है। तो ये वैसे ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट से ही डेबिट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं क्रेडिट कार्ड के जैसा आपको फिर किसी ऐप से EMI पे करना है। ये ऑटोमेटिक जो भी बिल डेट होगा, ड्यू डेट होगा, आपको उस दिन एटलीस्ट आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा रखना है, तो ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा। तो सो दैट उस तरीके से आपका इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे समरअप देख लेंगे और जस्ट कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, OTP आएगा आपके मोबाइल फोन नंबर में जो ICICI बैंक से रजिस्टर्ड है, और जैसे नंबर में OTP आएगा आपका ऑर्डर सक्सेस हो गया। ऑर्डर सक्सेस होने के बाद प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा और ये 6 महीना आपने सेलेक्ट किया तो 6 महीने का पूरा स्टेटमेंट बना के आपको ICICI बैंक मेल में भेज देगी। आप उस स्टेटमेंट को चेकआउट कर लीजिए और जस्ट आप जो भी ड्यू डेट होगा उसमें जो है बिल को पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा है ICICI बैंक का, उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है। भले इसमें नो कॉस्ट EMI तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कोई भी बैंक अगर आपको ना तो कोई क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे EMI दे रही है ना डेबिट कार्ड के बेसिस पे EMI दे रही है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट बेसिस पे आप इसे ले सकते हैं, अर्जेंट बेसिस में आप यहाँ पे ले पाएंगे। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का रहेगा कि अगर ऐसा है तो हम लोग 1 लाख 2 लाख का भी तो सामान परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्डलेस EMI जो होता है ना उसमें हर अकाउंट के बेसिस पे लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट को कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूं। देखो आपके अपने मोबाइल फोन नंबर में आपको SMS करके लिमिट पता लगाना होगा, आपको लिखना है SMS में कार्डलेस, ठीक है, कैपिटल लेटर में कार्डलेस लिखना और उसे सेंड कर देना 5676766 पे। जैसे आप सेंड करेंगे तो देखो ICICI बैंक की तरफ से ऐसा मैसेज आएगा, डियर कस्टमर कॉन्ग्रेचुलेशन, हियर इज योर प्री अप्रूव्ड ICICI बैंक कार्डलेस EMI लिमिट ऑफ 3 लाख एज पर योर रिक्वेस्ट। तो मेरे अकाउंट पे अभी 3 लाख का ऑप्शन दिया गया है, मैं मतलब अभी 3 लाख का फ्लिपकार्ट से यानी कि कार्डलेस EMI के बेसिस पे प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको भी 3 लाख का ही लिमिट मिले, किसी को हो सकता है 50,000 का लिमिट होगा, 1 लाख का लिमिट होगा, 10,000 का ही लिमिट होगा। तो वहां पे जो भी लिमिट होगा ना वो आपको इस तरीके से SMS करके ICICI बैंक बता देगी। और इन केस बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमने SMS किया कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो देखो अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है या ऐसा लिखे आ रहा है कि अभी आप एलिजिबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपके सेविंग अकाउंट में अभी वो कार्डलेस वाला ऑफर नहीं आया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन वगैरह अच्छा करना ही पड़ेगा, थोड़ा अकाउंट में पैसा भी रखोगे तो बैंक को लगना चाहिए कि इस बंदे को अगर हम लोग EMI में प्रोडक्ट दे रहे हैं तो क्या ये ट्रस्ट वाला है या नहीं। ट्रस्ट वाले होगा तभी डेफिनेटली आपको ये सब ऑफर आना है। तो थोड़ा ट्रांजेक्शन अकाउंट में अच्छा करिएगा तो काफी चांसेस है कि आपको इस तरीके का ऑफर भी आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रोसेस के साथ बताया कि अगर आपको फ्लिपकार्ट में EMI में प्रोडक्ट परचेस करना है तो बस आपके पास ICICI बैंक का सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके सेविंग अकाउंट में कार्डलेस EMI का लिमिट मिला है तो डेफिनेटली आप जो है EMI में प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सही था आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और यह भी जरूर कमेंट करेगा कि क्या आपको कार्डलेस EMI का लिमिट मिला या नहीं मिला, वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और कोई भी डाउट बचे तो डायरेक्टली हमें इंस्टा मैसेज कर लीजिएगा। और कॉइन स्विच कुबेर ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ऐप डाउनलोड करके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।